बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद काशान। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही विंटर रेसिपी ज़बरदस्ती लेके आया हूँ, इंस्टेंट क्रीमी कॉफ़ी। तो इंस्टेंट क्रीमी कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ मेरे पास 2 टीस्पून शुगर है, 1 टीस्पून हम यहाँ कॉफ़ी यूज़ करेंगे, और यहाँ हसब ज़रूरत में पानी यूज़ करूँगा 1 to 2 टेबल स्पून। सबसे पहले हम पानी में कॉफ़ी और चीनी को हल कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने हॉट वाटर लिया है, आप थोड़े से इसे गर्म कर लें माइक्रोवेव में या स्टोव पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 to 2 टेबल स्पून के जितना पानी ले लिया। अब हम इसके अंदर कॉफ़ी ऐड कर देंगे अपनी और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ही शुगर भी ऐड कर देंगे 2 टीस्पून। आप अपने चीनी जो अपने हिसाब से ले लें, अपने जायके के हिसाब से। बहुत सी कॉफ़ी होती है, कैपेचिनो कॉफ़ी, ये क्रीमी कॉफ़ी, फॉमी कॉफ़ी, डालगोना कॉफ़ी। तो आज मैं आपको ये इंस्टेंट क्रीमी कॉफ़ी बनाने सिखा रहा हूँ। तो देखिए, हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अभी से इसमें क्या झाग बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमने गर्म पानी लिया था, और गर्म पानी से ये होता है कि हमारी जो कॉफ़ी होती है और शुगर होती है जल्दी डिजॉल्व हो जाती है। तो हम इस तरह थोड़े से इसको जल्दी जल्दी फेंट लेंगे, बीट कर लेंगे, और इसके बाद हम इसे स्टॉप कर देंगे। तो देखिए इसमें कितने अच्छे झाग बन गए हैं, हैंड बीटन की हेल्प से इतना अच्छा हो रहा है, बीटर की ज़रूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रिक बीटर की। तो ये देखिए, दूसरी तरफ मैंने 2 कप भर के दूध लिया और मैंने इसे बॉईल करने रख दिया। मैं आपको 1 कप बनाने सिखाऊंगा। तो ये देखिए, अच्छी तरीके से बॉईल हो गया, आप इसका धुआं देख सकते हो, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी। अब हम इसे अपने कॉफ़ी मग जो हमारा जिसमें मैं सर्विंग मग होगा उसमें मैं सर्व करना होगा, मैं इसको दूध को उसमें निकाल लूँगा, फिर हम इसके अंदर अपना कॉफ़ी का मिक्सचर ऐड करेंगे। तो देखिए, मैंने कॉफ़ी मग में अपने मिल्क को निकाल दिया जो हमने बॉईल किया था, आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा ऊपर करके निकालें तो उसकी झाग बनती है, छोटी छोटी स्ट्रीप होती हैं जो फॉलो करेंगे तो आपकी बहुत ज़बरदस्ती कॉफ़ी बनेगी। क्या जब आप दूध बॉईल करें तो आप एक कहने के वो चम्मच ऐसा ले लें, डोई सा, जो आपको इस तरह बॉईल करें चलाएं, तो उससे भी अच्छा आपका दूध बॉईल होता है। तो अब ये देखें, जो आपके सामने मैंने बेटी, कितनी अच्छी हमारी कॉफ़ी बेट हो गई है, हमने 2 से 3 मिनट इसको बेट किया और कितनी अच्छी हमारी होममेड रेडी हो गई है बिना इलेक्ट्रिक बेटर के। अब हम इसमें ऐड कर देंगे और जल्दी जल्दी इसको हिला लेंगे चम्मच से। इसको मिक्स कर लें और अब हमारी रेडी है। तो देखिए, तैयार है हमारी मज़ेदार सी इंस्टेंट क्रीमी कॉफ़ी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलें, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली फ्यूचर की अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।